राजधानी में जहां प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के हजारों समर्थक सड़कों पर उतर आए, जहां पार्टी कार्यालय से लेकर विधान भवन, राजभवन और हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा पर समर्थकों की भीड़ देखने को मिली, वहीं इस बीच घंटों तक यातायात बाधित हुआ। हालांकि घंटों प्रदर्शन के बाद समर्थक वापस हुए, पर इतनी देर तक आने वालों को भारी समस्याओं से गुजरना पड़ा। आपको बता दें कि पूरा मामला प्रदेश सरकार की कार्यनीतियों का है, जहां विपक्ष पार्टियां आए दिन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रही है। इसी बीच समाजवादी पार्टी से अलग होकर प्रदेश पूर्व मंत्री शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी भी सरकार पर जमकर हमला बोल रही है। इसी कड़ी में आज पार्टी के समर्थकों ने भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ व कई मुद्दों को लेकर राजभवन ज्ञापन देने जा रहे थे। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार जब से सत्ता में आई है, प्रदेश की जनता पर आए दिन अत्याचार हो रहे हैं। बढ़ती महंगाई से किसान बेहाल है, उन्हें अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए भटकना पड़ा। यही नहीं, कर्ज से परेशान किसान आत्महत्या करने को भी मजबूर है। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर हमला बोला, कहा कि आए दिन महिलाओं व गरीबों पर अत्याचार हो रहे हैं। आज प्रदेश की महिला व बच्चे खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। एनकाउंटर के नाम पर आए दिन बेगुनाहों की हत्याएं की जा रही, यहां तक कि खुद पुलिस कर्मियों पर हमला हो रहा है। राजधानी में अतिक्रमण व प्रदूषण के नाम पर गरीब पटरी दुकानदारों, कैंपो, ई रिक्शा चालकों का प्रशासन द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है। पार्टी के प्रवक्ता दीपक मिश्रा ने मांग को लेकर बताया कि किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ किया जाए, आवारा पशुओं से छुटकारा दिलाया जाए, प्रदेश के बेरोजगारों को सरकार पारिवारिक भत्ता दे, जिन रूट पर ई रिक्शा चालकों को पहले से परमिट दिया गया उन्हें फिर से चलाया जाए, प्रदेश सरकार के तत्कालीन आला अधिकारियों पर लगे भ्रष्टाचार पर उन्हें कार्यालय से हटाया जाए, सभी वर्गों को जाति आबादी के आधार पर आरक्षण दिया जाए। वहीं प्रदेश सरकार की नीतियों, किसानों की समस्या व प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के महासचिव आदित्य यादव ने पार्टी के हजारों समर्थकों के बीच राजभवन जा रहे थे, जहां मौके पर मौजूद पुलिस के आला अधिकारियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। वहीं समर्थकों ने जब नहीं माना तो पुलिस कर्मियों ने बलपूर्वक सभी को हटाया। हालांकि इस बीच आला अधिकारियों व पार्टी समर्थकों के बीच काफी नोकझोंक भी हुई। आज हम लोग का प्रदर्शन, जो किसानों की मांगे थी, जिस तरीके से यूरिया डीएपी के ऊपर कालाबाजारी चल रही है, उसको लेके ये प्रदर्शन हम लोगों ने किया था। साथ ही जिस तरीके से युवाओं को इस देश से धोखा दिया गया रोजगार को लेके, जिस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आज सवाल उठाए जा रहे हैं, बल्कि मैं कहूँगा महिलाएं नहीं, पुलिस कर्मियों की जिस तरीके से हत्या हो रही है, उस तरीके से निश्चित ही प्रदेश सरकार पर सवाल उठता है कि क्या हमारे प्रदेश की जनता सुरक्षित है या नहीं। यही सवाल लेके हम लोग आज महामहिम जी के यहाँ जा रहे थे, जिसकी वजह से हमको डाइवर्ट करके यहाँ बैठाया गया। इसकी बात का जितना भी जवाब होगा हमारी शीर्ष कमेटी जो है वही जवाब देगी, इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं।